हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमी और सोमिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूं, बटर चिकन की रेसिपी। इसे मैं घर पे कैसे बनाती हूं वो आज आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने चिकन लिया है, इसे मैरिनेट करने के लिए इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ सॉल्ट ऐड किया है और हाफ टी स्पून से मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है और साथ ही ये मैं लेमन जूस ऐड करूंगी। ये मैंने ऐड कर दिया है लेमन जूस। अब इसे मिक्स करके इसे 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख देना है। तो ये देखिए, फर्स्ट मैरिनेशन जो है वो कंप्लीट है। इसके बाद में फिर सेकेंड मैरिनेशन करूँगी। तो अभी मैं इसे 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी, फिर 20 मिनट्स बाद आपको दिखाती हूँ। और साथ ही यहाँ मैंने पैन में देखिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने 1.5 कप पानी लिया है। इसमें मैं ये टोमेटो, चॉप टोमेटो, अनियन, जिंजर और गार्लिक ये मैं ऐड कर दूंगी। साथ ही काजू, इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता ये भी मैं पानी में ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी और यहाँ मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर यूज किया है। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ही इसमें यूज कीजिएगा तो ही इसका अच्छा कलर आएगा। अब ये बॉईल हो जाए, इसे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे ढक के पकाना है। तो ये देखिए, इसे मैंने ढक दिया है। अभी अच्छे से पक जाए उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। साथ ही यहाँ सेकंड मैरिनेशन के लिए यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। साथ ही यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने हॉट रेड चिली पाउडर लिया है। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून मैंने हंग कर्ड लिया है और साथ ही ये मैं लेमन जूस भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्सचर भी रेडी है। 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा बटर ऐड करूंगी, फिर 2 मिनट के लिए इसे मैं पकाऊंगी। तो ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं लीड खोल देती हूँ, ये पूरा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी। अब ये ठंडा हो जाए तो इसका मुझे एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं एक एक चिकन स्क्वीज करके इसका अच्छे से पानी निचोड़ के मुझे दूसरे बर्तन में से मुझे निकाल लेना है। फिर उसे इस मिक्सचर के साथ मैरिनेट करके 20 मिनट्स के लिए रखना है। तो ये देखिए, ये मैंने सारा पानी जो है उसका निकाल लिया है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, साथ ही ये मिक्सचर भी मैं ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, इस मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे भी 20 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पेस्ट बना लिया है और इसे एक बार छलनी से एक बार छान लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो आप उसमें कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसी पैन पे चिकन टिक्का फ्राई करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने हाई फ्लेम पे ही फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। स्टार्टिंग में इसे हाई फ्लेम पे ही थोड़ा पकाइएगा तभी ये ग्रिल्ड होगा, नहीं तो फिर चिकन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, इसे मैंने फिर पलट दिया है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल जो है थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं इसी ऑयल में यहाँ मैंने चॉप्ड जिंजर और गार्लिक लिया है, साथ में कुछ स्प्लिटेड ग्रीन चिलीज लिए हैं। इसे मैं ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। अब मैं ये बैटर इसमें यूज कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं, फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। तो ये देखिए, इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। ये मैंने चिकन ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी,
थोड़ा सा इसमें बैलेंस के लिए मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए तो इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम जो है वो मैं अब लो कर दी हूँ, अब इसे ढक के मुझे पकाना है 5 से 10 मिनट, उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूंगी, इसे भी मिक्स कर देना है। साथ ही मैंने ये होममेड क्रीम लिया है, फ्रेश क्रीम है, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने क्रीम ऐड कर दिया है, अभी इसे मिक्स कर लूंगी। तो ये रेसिपी जो है बनकर तैयार है। क्रीम डालते समय आप गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दीजिएगा। और एक बात मैं बोलना भूल गई थी कि अगर आप चाहे तो ये बोनलेस भी बना सकते हैं, मैंने इसे विद बोन बनाया है। तो चलिए अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बटर चिकन जो है वो बनकर रेडी है। इसे मैंने धनिया पत्ता और यहाँ मैंने बटर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने क्रीम से इसे डेकोरेट किया है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी रीज़न से मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।